नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है, एक बार फिर से हाजिर है अजय पत्रकार जी। और आज चलिए थोड़ी बातचीत कर लेते हैं पत्रकार जी। जेडीयू वर्सेस आरजेडी, दोनों तो भाई भाई बन के चल रहे हैं। अब सुशील मोदी जी ने कह दिया कि यहाँ पर नीतीश कुमार को अपने विधायक पर कोई भरोसा नहीं रह गया है, और विधायकों को भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो फोन टैप करा रहे हैं, और खुफिया एजेंसी जो है वो नीतीश कुमार के कहने के द्वारा यहाँ पर विधायकों के फोन टैपिंग करा रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ने कह दिया। लोजपा में कई विधायक आ रहे हैं। इसके साथ सर आपको पता ही होगा, आरजेडी में तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गया है, तो जेडीयू के कई विधायक नाराज हैं कि आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। कल विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ गया, नहीं हो पाई कोई चर्चा। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी को इस्तीफा दिलवाओ और नहीं तो नीतीश कुमार आप इस्तीफा दे। तो देखिए सर, नीतीश कुमार काफी समझदार हैं, आपने कई बार ये बातें बोली हैं। नीतीश जैसा चाणक्य कोई हो नहीं सकता, भले पलटू राम कह लें, और उन्हें उस बात से फर्क भी नहीं पड़ता है कि मुझे जो कहना है कहो। अब ऐसे में ये बताइए कि लालू यादव जैसे भ्रष्टाचारी के अंडर आएंगे, बात सुनेंगे कि इसी तरीके से जेडीयू के विधायकों को मनाने की कोशिश करके गठबंधन में ही रहेंगे। और ये भी फैसला लटक रहा है कि अब तक तेजस्वी को कुछ बनाया नहीं है, तो क्या लालू यादव भी अब भरोसा कम कर रहे हैं? और इधर सांसद सुशील मोदी ने कह दिया, नाक रगड़ लेंगे लेकिन नीतीश कुमार को हम अलायंस में नहीं मिलाएंगे। क्या दर्शक को कहेंगे आप? मैं सर्वप्रथम दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। ये टेपिंग कराना, अपने मुखबिर भेज देना, इनकी रघुवंश जी से बात हुई है। मैं आपको अंदर की बात बता रहे हैं, दो तीन रोज पहले रघुवंश जी से लगभग पौने दो घंटे तो सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात हुई, कोई कुछ भी वहाँ पे गया नहीं, सिर्फ एक टॉपिक में गेट टुगेदर हुआ, सिर्फ एक टॉपिक पे। इसके अलावा एक घंटे पहले ये पहुँच गए, एक घंटे बाद निकले, जो नाश्ता पानी सब बात हुई और जो बातें होती रही वो अलग, सिर्फ एक टॉपिक पे इसी पे बात हुई है। क्या ये करेंगे क्या? ये एक तीर से दो निशाने करेंगे। तो लोग एक तीर से दो निशाने करते थे, इनकी पोजीशन ये है कि आदमी के जब आई विजन क्लियर नहीं है, लुक क्लियर नहीं है, ये एक तीर से 1000 निशाने लगाना चाहते हैं। लोग दो नाव में पैर चल चल के चलते, कभी दो नाव में नहीं, ये चार चार पांच पांच नाव में हमेशा पैर धड़ के चले। दूसरी नीतीश कुमार की खासियत है, किसी के भी मामले पे नीतीश कुमार अपनी छाती नहीं लगाते, सीना नहीं लगाते। उनका साफ है कि आप लड़ो तो हम पीछे से खड़े हैं। तेजस्वी यादव में भी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, ये जान ले तेजस्वी यादव जल्दी उसमें जेल जाने वाले हैं, उसमें फंसने वाले हैं, और लालू भी फंसने वाले, मीसा भी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कहेंगे तेजस्वी यादव को बना रहे हैं, उसी बीच में जनता दल में ये विद्रोह करा देंगे। इनकी कहानी पूरी पक चुकी है, ये इतने हैं कि मोदी जी इनको एक बार फोन कर देंगे तो ये तुरंत कहेंगे हाँ बोलो भाया, ठीक है। अच्छा, मतलब मोदी जी से अभी भी यारी है? अभी यारी तो इनकी आप समझ लीजिए, इनकी कब हो जाए, इनका ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, इनको सत्ता प्यारी है, इनको कुर्सी प्यारी है, ये जान गए मेरा आधार कम हो गया। नीतीश कुमार के बारे में हम आपको बता दें, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अपने दम पर, अपने बहुमत से, व्यक्तिगत बहुमत से, अपनी पार्टी के बहुमत से कभी भी नहीं आए और सत्ता पे रहे। सबसे पहला जो इनका जो था वो बता दें आपको, इनको बीजेपी ने बना दिया था, ये अल्पमत में थे उस समय जब इनको बनाया गया था, उस समय लालू की जगह इनको बना दिया गया अल्पमत, ये बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, इस्तीफा दे दिए थे, बड़ी बेइज्जती हुई थी। इनकी जिद थी कि हमको मुख्यमंत्री बना दो, अटल बिहारी वाजपेयी इनसे बहुत स्नेह करते थे, उन्होंने बना दिया, उसके बाद भी नहीं बन पाए ये कभी भी अपने बहुमत पे नहीं आए, हमेशा बीजेपी ने सहयोग किया, कभी राजद ने सहयोग किया, कभी राजद कांग्रेस ने किया, तब आए अपने जीवन में ये कभी भी। इनको जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव जैसे लोग सहयोग करते थे। इन्होंने अभी एक बयान दिया है कि मैंने जिसके जिसके लिए वो किया, मैंने जिसको जिसको डेवलप किया, जिसको अपना बहुत सब कुछ किया, वो गद्दारी कर गए, तो ये गलत बोल रहे हैं। इन्होंने सब कुछ किया, उन लोगों ने सब कुछ किया, इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ गद्दारी की, जॉर्ज फर्नांडिस एक्सपायर हो गए तो कभी देखने नहीं गए। शरद यादव के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की, पार्टी निकाल दिया, उनका भी यही हुआ, और इन्होंने लालू के साथ गद्दारी की, लालू आज जो फंसे हुए हैं टोटल चारा घोटाले में यही व्यक्ति थे, उनको फंसवाने में, उनके लड़के को फंसवाने में, मीसा के बच्चों को, मीसा को फंसवाने में, हर एक में यही रहे, रावड़ी का ये विरोध करते रहे।
इन्होंने हर एक के साथ और इनके साथ किसी ने भी वफादारी नहीं की, सब इनके साथ। वास्तव में ये पोजीशन मांझी का जी का भी यही पोजीशन, मांझी जी से भी इनकी नहीं पटी, ये मांझी जी को हटाने में लग गए। अब आपको बता रहे इनका क्या है, नीतीश का ये एक्चुअली में क्या पार्टी लाइन से बाहर होकर के बयानबाजी कर रहे हैं। और ये इन्होंने अभी क्या बोला, तो जो इन्होंने ये कहा कि जो लोग पार्टी के से विरोध कर रहे हैं या दूसरे लोगों से मिल रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं उनकी खैर नहीं, इस तरह से इस तरह से कोई ताना सा बोलता है। हिटलर भी ऐसे नहीं बोलता था, बिल्कुल इनकी पोजीशन तुगलक वाली हो गई है। बिल्कुल बहादुर शाह जफर ये बनना चाहते हैं, बहादुर शाह जफर के जेरे कयादत में जंगे आज़ादी की पहली जो जंग हुई है उनके जेरे कयादत में हुई, चूँकि वो उसके योग्य थे, उन्होंने यातनाएं सही, काला पानी सही, ये यातना वगैरह कुछ नहीं सकते। ये वास्तव में बहादुर शाह इनकी स्थित है बिहार में, जो पोजीशन अब्दुल गफूर की थी 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी और सब लोग ये पोजीशन में आ गए, ये अब्दुल गफूर हैं बिहार के, उसको कहते हैं मुस्लिम उससे ना लिया जाए। अब्दुल गफूर वहाँ के एक चीफ मिनिस्टर था जिसकी वजह से कांग्रेस का वहाँ पे पतन हुआ था। ये हिटलर बिल्कुल बनना चाह रहे हैं, इनका ये 100 झूठ बोल लो तो एक वो सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, राजद का विधायक है सॉरी सुनील कुमार सुनील के लिए, सुनील सिंह के बारे में सवाल पे आप, हाँ सुनील सिंह के बारे में, दूसरा कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा के लिए बोला इधर उधर की बात मत करो, अशोक चौधरी, हाँ अशोक, दूसरा क्या है ये बैठे थे इनके बगल में तेजस्वी यादव, उसके बगल में विजय कुमार चौधरी जैसे सीनियर लीडर बैठे थे। ये जो बोल गए हैं इससे साफ इनका लग रहा। आप सुनील कुमार के बारे में बता रहा हूँ, सुनील सिंह का, सुनील सिंह को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, सुनील की सुनील इनके ही खास नहीं, सुनील लावड़ी के सबसे पैड आदमी हैं, मीसा सबसे ज़्यादा उनको मानती, तेजस्वी सबसे ज़्यादा मानते हैं और सुनील सिंह की बात में दम है। और आप सुन लिए, सुनील सिंह जो हैं वो लावड़ी को बहन मानते हैं, लालू अपने साले को नहीं मानते उतना, उससे विरोध हुआ मगर सुनील सिंह से विरोध नहीं हुआ, वो उनका प्यारा। ये वास्तव में इन्होंने जानबूझ करके, ये इनकी आदत है कि जो हमारा मेन वो है उसकी दुखती रग को, ये लालू की दुखती रग, ये लालू की ग्रेटनेस है कि लालू तब भी पैचअप करने में लगे, लालू का इनके प्रत्याग है। इन्होंने गद्दारी की है लालू से हर बार, इन्होंने खुद गद्दारी की है बीजेपी के साथ, इन्होंने गद्दारी की अपने इस लीडर के साथ और अपने जो इसके पहले लोकसभा में जो इनके लीडर थे उनके साथ की। ठीक है सर, दूसरा मेरा अहम सवाल है, आपने देखा होगा नीतीश के द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी और इधर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवाद बढ़ता जा रहा है, लालू प्रसाद यादव के समझाने पर भी दोनों पार्टियों की नहीं बनी और अब इधर राजद एमएलसी सुनील सिंह जी लगातार हमलावर हैं। और कल जब अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर वायरल हुई तो जेडीयू में पूछ दिया गया नीतीश के द्वारा कि आपने अमित शाह से मुलाकात क्यों की, क्या आप बीजेपी में जाने वाले, जबकि वही सुनील सिंह लगातार हमला बोल रहे हैं जेडीयू विधायकों पर। और जेडीयू विधायक अशोक चौधरी को बोला आपने कांग्रेस नेता के हत्या में आपका नाम शामिल था, आप पलटू हैं, आप पलटेंगे, आप नीतीश जी के भी साथी नहीं है। तो सर राजद एमएलसी का जेडीयू विधायक पर हमला और इधर नीतीश की नियुक्ति पर चंद्रशेखर का सवाल, एमएलसी का सवाल, अब इधर तो आरजेडी और जेडीयू में ही बात नहीं बन रही है, तो क्या लगता है कैसे संभालेंगे दोनों पार्टियां? हकीकत यह है कि कल ये चला चली का बेला था और ये खुद नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हमको इनसे छुटकारा मिल जाए। नीतीश कुमार एक पासा फेंकेंगे कि हम तेजस्वी को बना रहे हैं और लालू की ओर फेंकेंगे, उसी बीच में अपने विधायकों को विद्रोह करा देंगे, दूसरा इनके विधायक विद्रोह कर रहे हैं तो ये कहेंगे अब क्या करें, हम बना ही नहीं पाए, हमारी पार्टी जा रही तो ऐसे वक्त हम क्या करें। दूसरा इनका है कि जिसके लिए कल है के पाठक का अपना एक रिकॉर्ड है एजुकेशन में और शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर, इनकी जो टॉकिंग है इतनी भद्दी है, इतनी भद्दी। कल जो मीटिंग की गई थी वो इसलिए की गई थी कि चीज़ें एक नहीं है और कोशिश की जाए, चीज़ें एक नहीं थी ठीक की जाए, मगर कल क्या हुआ, ठीक करने की जगह
इसलिए हुआ था मतभेद दूर किए जाए, मतभेद और खुल करके आ गए। ये बहुत छोटे ये मतभेद, इसके अलावा पर्दे के पीछे और भी मतभेद है। मतभेद है कुर्सी का तेजस्वी वर्सेज नीतीश कुमार। बिल्कुल। दूसरी आपको बता रहे, कल की मीटिंग के बाद अजीत शर्मा और सुनील सिंह में खूब गाली गुत्ता हुई है। वे एक दूसरे के ऊपर भद्दे भद्दे नारे लगाए गए, एक दूसरे को उन्होंने भद्दी भद्दी गालियाँ दी, खुल करके दिए मीटिंग के बाद। दूसरी भी अंदर भी इन्होंने कई लोगों को और भी हड़काया है बुरी तरीके से, नीतीश कुमार ने पहले और बाद में। एक को हल्का सा पनिश भी किया गया है, जैसे क्लास में नहीं बच्चे को कान पकड़ उठाया बैठाया जाता है, कान पकड़ने, इस तरह की भी घटना हुई है। ये पूछा है क्या ये खिसिया इसलिए है कि अभी क्या हुआ, जो बेंगलोर की मीटिंग होनी थी और शिमला की मीटिंग होनी थी, ये सब की घोषणा इनको करनी थी। हकीकत में नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत की थी, केजरीवाल से मिलना, उनसे मिलना, शरद यादव पवार से मिलना, सरेब से सभी विपक्ष के लीडर मिलना, सबको एक किया। अब वहाँ पे बादशाहत किसके ऊपर आ गई, चौधराट, वो शरद पवार के पास आ गई। शरद पवार घोषणा कर रहे हैं कि बेंगलोर में मीटिंग होगी, हाँ। यहाँ होगी, तो ये किनारे लगाए जा रहे हैं। लालू, शरद यादव वगैरह, शरद पवार वगैरह, सब ये बहुत खास हो गए, तो इनको अपनी वो लगी, जिस उसके ये नेता थे इसीलिए इन्होंने बिहार किया कि लीडर बन जाएंगे वहाँ पर। दूसरा इनको मनीष कश्यप का भय सताया जा रहा, ठीक है, कि मनीष कश्यप का भय सताया जा रहा, ये समझ गए मनीष कश्यप का अपना आधार है, तो मनीष कश्यप का ठीकरा उनके ऊपर जाए। इसीलिए विपक्ष की मीटिंग इन्होंने की थी कि हमको सपोर्ट मिल जाएगा, और ये जा रहे थे वहाँ नहीं गए, तेजस्वी भेजा, मगर इन्होंने क्या किया, खुद बनने की जगह ये लीडर से भी, तो आप ये समझ लीजिए किसी भी समय सुन सकते हैं कि दोनों का ये टूट गया, ये लास्ट तक ये कहेंगे हम तो आपके साथ हैं, हम क्या करें, हम ही कम हो रहे हैं। तो सुना आपने, पत्रकार जी ने एक सटीक विश्लेषण करते हुए कहा कि कुछ ही पलों में या कुछ ही दिन कह लीजिए, ये पता चलने वाला है कि नीतीश बाबू और इधर लालू यादव में नहीं बनेगी, क्योंकि विधायकों की तलखियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, खाई गहराती जा रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए, और आप सभी कमेंट करके बताइए ये बिहार की जो आपसी जाल बिछी है, ये जो बिसात बिछी है, और चुनावी बिसात कह लीजिए, इसका हश्र, इसका अंजाम क्या होगा, जरा बिहार की जनता हो तो हमें बताए। बहुत शुक्रिया आपका, तब तक SDB न्यूज से जुड़ने के लिए।